नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसको बनाने में लगा था 15,000 किलो सोना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 15,000 किलो सोना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में माता लक्ष्मी के कई मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में बड़ी मात्रा में सोने का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल जैसे ही हम लोगों के सामने स्वर्ण मंदिर का जिक्र होता है तो जहन में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर ही आता है। कम ही लोग जानते हैं कि एक और स्वर्ण मंदिर है जो तमिलनाडु के वेल्लोर में मलाईकोडी की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में मां लक्ष्मी विराजमान है। दक्षिण भारत में एक ऐसा स्वर्ण मंदिर है, कहते हैं इस मंदिर में इस्तेमाल हुए सोने के बराबर स्वर्ण विश्व के किसी पूजा स्थल में प्रयोग नहीं हुआ है। यह मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में वेल्लोर नगर के पास स्थित है। इस मंदिर में श्रीपुरम महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। पूरा मंदिर सोने से निर्मित है और इसमें लगभग 15,000 किलोग्राम शुद्ध सोने का प्रयोग हुआ है। यह मंदिर लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। रात को रोशनी में जगमगाते इस मंदिर को देखना अद्भुत अनुभव होता है। एक संन्यासिनी का प्रयास, इसकी हम आपको एक कहानी बताते हैं। यह मंदिर रेलवे स्टेशन काठपाड़ी से 7 किमी की दूरी पर बना है। कहते हैं श्रीपुरम मंदिर के निर्माण में एक युवा संन्यासिनी शक्ति अम्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। मंदिर की रचना वर्ताकार है और परिसर में बाहर की तरफ एक सरोवर बनाया गया है। इस सरोवर में भारत की सभी मुख्य नदियों का पानी लाकर मिलाया गया है, इसी कारण इसे सर्व तीर्थम सरोवर कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंदर और बाहर दोनों तरफ सोने की कोटिंग की गई है। श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर पर सोने की लगभग 9 से 15 सोने की परतें बनाई गई है। इन परतों को शिलालेखों से सजाया गया है। मंदिर में बने शिलालेखों की कला वेदों से ली गई बताई जाती है। यहाँ पर लागू होता है पोशाकों का सख्त कानून। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वालों को एक सख्त ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता होता है। इस मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या लाखों में है, पर कोई भी लुंगी, शॉर्ट्स, नाइटी, मिडी, बरमुड़ा पहनकर अंदर नहीं जा सकता। मंदिर प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक अभिषेक के लिए और सुबह 8 से रात को 8 बजे तक सामान्य जनों के लिए दर्शन के लिए खुलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोग देश विदेश से भी घूमने आते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस जगह का वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, इंजॉय करें। धन्यवाद।